सावन आते ही शिवभक्त कांवड़िए हर जगह दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इस बार धार के मांडू में कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मानव श्रृंखला द्वारा गौ माता की बड़ी आकृति बनाकर इतिहास रच दिया। गाय की बनी विशाल आकृति के चलते यह आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इस बात की घोषणा संस्था के अधिकारी द्वारा आयोजकों को प्रमाण पत्र देते हुए की गई। इसके बाद प्रतिवर्ष अनुसार विशाल यात्रा प्रारंभ हुई जिसमें हजारों कांवड़ियों ने हिस्सा लिया। ड्रोन कैमरे से ली गई इस आकृति को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इस आयोजन में कांवड़ियों ने हिस्सा लिया। लाल कुर्सियों पर बैठे और खड़े भगवा कपड़ों में गाय पूरी तरह से भगवा नजर आई। इसके पहले यह रिकॉर्ड गुजरात के नाम था जहां 15 लोग शामिल हुए थे, लेकिन 3000 से ज्यादा कांवड़ियों ने एक नया रिकॉर्ड रच दिया। इस आयोजन में 2000 से ज्यादा गांव के लोग शामिल हुए। सांस्कृतिक जागरण मंच के द्वारा प्रतिवर्ष कांवड़ यात्रा का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। आयोजक नीलेश भारती का कहना है कि गाय मात्र प्राणी नहीं, हमारी माँ है और हमारे आस्था का केंद्र है, इसलिए गाय को वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए चुना गया। मौके पर पहुंचे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया के कोऑर्डिनेटर मनीष बिश्नोई ने आयोजन की तारीफ करते हुए संस्था की तरफ से आयोजकों को प्रमाण पत्र दिए। किस प्रकार का रिकॉर्ड बना है और गाय को ही इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए क्यों चुना गया आपकी तरफ? स्वामी विवेकानंद उद्घोष कांवड़ यात्रा जो सामाजिक समरसता का प्रतीक बनी है, उसके सारे कांवड़ यात्री ये मानते हैं कि गाय पशु ही नहीं है, गाय प्राणी नहीं है, गाय हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। और गौ माता हमारी जब माता है और हम उसके पुत्र होने का कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हमने हमारा भी ये दायित्व तो बनता है कि विश्व मानचित्र पर गौ माता को हम स्थापित करें और पुत्र होने के दायित्व का और उसके कर्तव्य का हम पालन करें। इसी उद्देश्य को लेकर हमने गाय माता को ही चुना और गाय में 36 करोड़ देवता होते हैं और देवी देवता और सब गाय हमारी माँ है, उस देवता उसमें साक्षात विराजित हैं, 36 करोड़ देवता उसमें विराजित हैं, उसको नमन करते हुए उसी भाव को लेकर, पुत्र के भाव को लेकर हमने गाय माता को ही चुना, यही हमारा उद्देश्य है। प्रतिवर्ष अनुसार आप कांवड़ यात्रा निकालते हैं, इसका क्या स्वरूप होता है और इसका मार्ग कितना बड़ा और कितने दिन का कार्यक्रम? कांवड़ यात्रा का 5वां वर्ष है। संत रविदास जी महाराज की तपोस्थली से कांवड़ यात्रा शुरू होती है, भुवनेश्वर महादेव मंदिर पीतमपुर में इसका समापन होता है। 80 किलोमीटर की यात्रा होती है, सैकड़ों गांवों से होती हुई, मेरा गांव मेरा तीर्थ, गांव गांव तीर्थ, इस संकल्प को पूरा करते हुए ये कांवड़ यात्रा 2 रात्रि विश्राम पूरे करती है और अपने गंतव्य तक पहुँचती है और भगवान शिव को जल अर्पण करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।